देख रहे हैं टीम आशा और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में और उनके द्वारा आश्रम में किए गए प्रयोगों के बारे में। महात्मा गांधी को भारत को आज़ादी दिलाने और अपनी पेशेंस और विजनरी सोच के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान थे जो अहिंसा के अनुशासन में मानते थे, और चाहे दांडी मार्च हो या भूख हड़ताल, हर कोई हमेशा उनके पीछे चलने को तैयार रहता था। बेशक महात्मा गांधी को पूरे विश्व में एक आदर्श पुरुष के रूप में माना जाता है, पर उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो इतिहास में दर्ज तो है पर उसकी कभी बात नहीं की गई, और यह है महिलाओं के साथ आश्रम में होने वाले प्रयोगों के बारे में। सन 1906 में जब 38 वर्ष के हुए गांधी जी, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था, जिसका मतलब है इसके बाद वो किसी भी तरह के शारीरिक संबंध से परे होकर एक आत्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक कोई किसी भी प्रकार के कामों की उत्तेजना मन और व्यवहार में अहिंसा पैदा करती है। इन सब के चलते महिलाओं के उपस्थिति में गांधी जी का व्यवहार अजीब सा होने लगा। अपने ब्रह्मचार्य की कमिटमेंट को परखने के लिए वे जवान लड़कियों के साथ निर्वस्त्र सोने लगे। इनमें उनकी पौत्र भतीजी मन्नूबेन भी शामिल थी। इस प्रयोग से समर्थकों में चीज़ें बहुत ही बुरी हो चुकी थी। इसमें उनके सबसे करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको बहुत अविचलित बताया। ब्रह्मचार्य के एक साल बाद गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर में एक ओपिनियन में कहा कि एक हर सूझवान भारतीय की एक अपनी चीज़ होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से शादी ना करें, और अगर कर भी लें तो अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध ना बनाएं। गांधी जी ने कई आश्रमों की स्थापना की जहां वो ये प्रयोग करने लगे। आश्रम में बहुत से युवा लड़के और लड़कियों को नहाने और सोने की ऑर्डर दिए जाते थे, पर किसी भी प्रकार की कामुक उत्तेजना की बातें और चीज़ें करने पर दंड दिया जाता था, और पत्नी को एकांत में साथ रहने नहीं दिया जाता था, और कामुकित उत्तेजना महसूस होने पर ठंडे पानी से नहाने की हिदायत दी जाती थी। निर्मल कुमार बोस, जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जब तक वो जनता को गांधी जी की नई विचारधारा के बारे में नहीं बता देते, तब तक उन्हें अपने पोते भतीजी के साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, वरना जनता उनको गलत समझेगी और अपनी असहमति जाहिर करेगी। वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी के मुंह पे ही कह दिया था कि वे जो कर रहे हैं वो अधर्म है, जिसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि मेरे मन्नू के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं, एक नैतिक कर्तव्य है। गांधी जी आरपी परशुराम, एक कॉलेज स्टूडेंट जो केरला से 2 साल के लिए आश्रम आया था और गांधी जी के साथ पर्सनल सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के रूप में काम करता था, उसने आश्रम में चल रहे इन प्रयोगों के बारे में बहुत करीब से देखा। उस वक्त भारत के हजारों स्टूडेंट्स की तरह परशुराम भी अपना आदर्श मानते थे गांधी जी को। यही वजह थी कि वो आश्रम में रहने और आज़ादी के आंदोलन में सहायता करने आए थे। पर 2 ही साल में गांधी जी के साथ काम करने के बाद परशुराम ने नौकरी छोड़ दी, और वहाँ से जाने से पहले एक खत लिखा जिसमें गांधी जी के व्यवहार और प्रयोगों से हुई प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा। उसने कहा, बावजूद इसके कि वो गांधी जी को एक देवता के समान मानता था, पर इस विषय में अब और चुप नहीं रह सकता। अपने इस खत में उसने लिखा कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं हमेशा आपके कामों से प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार एक टाइपिस्ट के रूप में आपके आश्रम में आया था, तब मेरे मन में आपके रूप में एक बहुत सम्मान और आदर था, पर अब मुझे ये अब मानना पड़ेगा, पहले 24 घंटे में ही आश्रम में बिताने के बाद ही आपके सम्मान का एक हिस्सा मैंने खो दिया। आपका निर्वस्त्र महिलाओं के साथ सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। मैं इस बात के कि आप युवाओं को इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं बिना इस सोच के कि उन पे क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया है महात्मा गांधी के इस पहलू के बारे में बताया, जिससे अनजान थे लोग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और देखते रहें टीम एशो हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।